नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। इस एपिसोड में अभी दो प्रकरण दिखाए जा रहे हैं, पहला देवी संज्ञा का, दूसरा माली सुमाली का, और दोनों टॉपिक की बहुत बढ़िया चल रहे हैं। देवी संज्ञा को दूसरा दंड देने की योजना बनाई जा रही है शनिदेव, हाँ, और उसका स्टार्टअप भी हो चुका है। दरअसल देखा जाए तो दोनों जो प्रकरण बीत रहे उनके साथ कई लोग सम्मिलित हो गए, जैसे कि माली सुमाली के साथ असुर गुरु शुक्राचार्य और इंद्रदेव, और इधर इस पूरे प्रकरण में यानी देवी संज्ञा के दंड निर्धारण के प्रकरण में पूरी फैमिली है। सूर्यदेव है और देव विश्वकर्मा है, और इन सबको वॉच करने के लिए त्रिदेव तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं, बाकी शनिदेव की नजर तो सब पे है ये पहले से। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में माली सुमाली चाहते क्या है, क्या है उनकी मंशा, क्या यम रोक पाएंगे देवी संज्ञा को बाहर जाने से? मुझे तो पहले ये लग रहा है कि अभी देवी संज्ञा का प्रकरण जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही माली सुमाली का शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम भी देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 147 पार्ट 1। भाई आप देख रहे हो, यानी कि अंतिम चरण चल रहा है। शरीर से इतनी ऊर्जा निकल रही है। कठोर तपना में हमेशा ये देखा कि अंतिम चरण जब आता है ना, ओहो खुदा बारिश करवा देगा। हाँ रुक जाइए देवराज। भाई हर जगह यार, पता तो रहो अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ भी वहां भी हर जगह। आवश्यकता ना हो वहाँ उपस्थिति अपमान का कारण बन सकती है देवराज, इसलिए लौट जाइए। मुझे कब और कहाँ उपस्थित होना ये निर्णय मेरे हाथ में है शनि। यदि यहाँ किसी को उपस्थित होने का अधिकार नहीं है तो वो तुम एक देव होकर असुरों की रक्षा करने आए हो। कितनी बार समझाऊंगा मैं आपको देवराज, ना मैं देवों के पक्ष में हूँ ना और ना ही दानवों के। मैं सबके कर्मों के आधार पर उनके कर्म फल का निर्णय करता हूँ, और माली सुमाली ने सच्चे मन से महादेव की आराधना की है, उनका मंतव्य सच्चा है, और इसलिए उनका कर्म फल देने में मुझे उनकी सहायता करनी होगी। किंतु यदि आप मुझे रोकना चाहे प्रयास कर सकते हैं, तो प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न तो मैं अवश्य करूंगा शने, देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। देखो ना कौन रोक रहा है, मैं अब तो दंड नायक है, बहुत शक्तिशाली है उनका। अरे नाचने लगी भाई, घूम रे। मुझे माली सुमाली पर दृष्टि डालने से कोई नहीं रोक सकता देवराज। मेरी दृष्टि डालने के पश्चात महादेव माली सुमाली को जल्द ही वरदान दे देंगे। ये बात है, उचित नहीं किया, उचित नहीं किया शने। मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र। मुझे इसे नहीं पटकना चाहिए था, लौट कर अवश्य आऊंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा देवराज। अब दिन भर जपते होंगे मैं देवराज। मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो अब मुझे तुमसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तुमसे। आपको यही रहना होगा, अपने दूसरे पाप का दंड पाने के लिए सज्ज हो जाइए देवी संज्ञा। आप यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि शनि आपका पीछा करेगा। नहीं शनि, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, इस बार नहीं। माता मैं शनि नहीं हूँ, तुम शनि ही हो, और मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ शनि, ये समझ लो। संज्ञा तुमसे नहीं डरती।
तुम हारोगे शनि, हारोगे। और तुम्हें अनुभव होगा कि संज्ञा से बैर लेकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। यहाँ कुछ तो विचित्र चल रहा है, मुझे शीघ्र शनि को सूचना देनी होगी। शनिदेव तो एकदम भाई जैग ले आए मुरी। होटल खोल के गए थे तो तुम यही बैठना, चार लोग लेके आते हो। तुम मेरा पुत्र। हेलो पंगा हो गया भाई, इधर बैटर हो गया रे भाई। अपना बंदा लोगों को लेके इधर आने का। तो अभी दो दिख रहे थे भाई, देख रहे हो। दंडनायक अस्कर दंड पाप ना सका प्रचंड कर्म फल लाए तुम। आपसे इस मूर्खता की अपेक्षा नहीं थी। आप फिर से लौट आए? हाँ, इन दोनों असुरों के प्राण लेकर जाऊंगा। तुम्हें जो करना कर सकते हो। और मैं आपको इनका कुछ बिगाड़ने नहीं दे सकता जब तक कि इन्हें इनका कर्मफल नहीं मिल जाता। महादेव आ गए। समय भाई भाई शराब मारे। बस वॉर शुरू होने ही वाला था। प्रणिपात महादेव, प्रणिपात महादेव। देवराजेंद्र, प्रणिपात का अर्थ केवल किसी के समक्ष अपना शीश झुकाना ही नहीं होता। इमोशंस कहाँ है? तुम सच्चे हृदय से मेरा आदर करते तो शनि को उसका कर्तव्य पूर्ण करने से कभी ना रोकते। वो कर्तव्य जो स्वयं मैंने उसे दिया, ना ही किसी के कर्म फल के आड़े आते और ना ही मेरे भक्तों। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं बस। मांगो, क्या वर मांगते? अमर होने की इच्छा पूर्ण हो नहीं सकती ना देव, इसीलिए हमारी इच्छा है महादेव कि जब भी कोई हम पर प्रहार करे आप हमारी रक्षा करें। हम पर प्रहार करने वाले के आप प्राण हर ले। बड़े कमाल की दवाई। अब फिर लड़ाई शुरू। अब मार रहा सोचित नहीं किया तुमने शने। तुमने माली सुमाली को उनके कर्मों का फल नहीं दिया, अभी तो हम देवों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है शने। चलो मेरे साथ आओ। क्या हुआ काकुल? शनि देवी संज्ञा। मैं जानता हूँ काकुल कि क्या हो रहा है और यही मेरी योजना भी। चिल। चिल। नहीं माता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। माता तुम मुझे नहीं रोक सकते शनि। नहीं माता, ये मार्ग से हट जाओ शनि। मैं शनि नहीं हूँ माता, मैं यम हूँ आपका पुत्र। हर बार तुम यही कहकर मुझे भ्रमित नहीं कर सकते कि तुम यम हो। तुम शनि ही हो
यम है हम, क्योंकि मेरा यम मेरी आज्ञा कभी नहीं टाल सकता। सुना तुमने? तुम मेरे मार्ग से हटो, मैं कहती हूँ। मैंने नाना श्री को वचन दिया माता। ओहो, ओहो। पहली बार यम की पावर ऐसी दिखाई जैसे देवी संज्ञा ने दिखाई। ये देसी पावर है। अम्मा के सामने खेला कर रहे तुम ला लपड़। यम यम, तुम कभी अपनी माता पर प्रहार नहीं कर सकते थे। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कहने का तात्पर्य है कि माली सुमाली ने महाकाल को अपने आगे रहने को बोल दिया है। कोई भी संकट हम पे आए, हे महादेव हमारी रक्षा करो। अमरता का वरदानी है, अमर ही है, इसको अमृत तो ही समझे। कि महादेव से लड़ने के लिए अब कौन आएगा, कौन आएगा? वो तो नारायण ही है जो महादेव को कुछ कह सकते हैं, अन्यथा इस जगत में कौन है जो महादेव से ऊपर है। अब वो पहले भी मैं कह चुका हूं कि नारायण और महादेव में फर्क करना ही अपने आप में बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। अच्छा, जिस प्रकार से देवराज इन पूरी गैंग लेके आए थे। लोग ये भाई लोग मैटर हो गया इधर। गैंग लेके पहुंच गए थे कि शनि शनिदेव अब डर जाओ, ये तुम्हें और चार आदमी पीछे रखे हुए हैं, लेकिन शनिदेव में करना मैं सामना करूंगा। अच्छा, चाहे जितने भी जादू सीख लीजिए, अपनी माता के चप्पल झाड़ू और थप्पड़ से बड़ी क्या चीज है। वो जादू दिखा रहे थे ना, जो जादूगर मैं जादूगर ये पटासर। अच्छा, यहाँ पे उल्टा हुआ। देवी संज्ञा को यह एहसास हुआ कि ये यमी है थप्पड़ मारने के बाद, क्यों शनिदेव थप्पड़ नहीं सह सकते थे। तो अब देखना यह है कि जो माली सुमाली है इसके बाद इस वरदान का क्या प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रयोजन इसमें दिखाया गया है, ये प्रकरण इसमें दिखाया गया, जिस तो प्रकार से इंद्रदेव का भय है कि ये लोग देवताओं पे यूं कहने की हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, और उन लोगों का अमृतों का वरदान नहीं है, तो इस पूरे प्रकरण में कौन से देवता पे सर्वप्रथम हमला होगा, और वो हम जानते ज्यादातर इंद्रदेव ही। क्या इंद्रासन जो है वो संकट में है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में। अभी तो ये देखना है हमें कि किस प्रकार से माता और पुत्र, और पुत्र यानी देवी संज्ञा और यम के बीच में जो सनी सनी वाला खेला चल रहा है, ये कब विकेट गिरेगा। तो इस एपिसोड को हम यही करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।